सास का अखाड़ा बहू ने पछाड़ा। माँ जी, ये कैसे बना रही है शिमला मिर्च? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई नहीं खाएगा। आप हटिए, मैं बनाती हूँ। कोई नहीं खाएगा? अरे तेरे मायके वालों के लिए नहीं बना रही हूँ, अपने पति बेटे और बेटी के लिए बना रही हूँ। और वो लोग शिमला मिर्ची ऐसी ही पिछले कई सालों से खाते आ रहे हैं। बहू बहू हो ना, थोड़ा सोच समझ कर जबान खोला करो, समझी? माँ जी, फिर तो मैं यही कहूँगी कि आपको खाना बनाना आता ही नहीं। बहू शिमला मिर्च बना लेती है, लेकिन अपने अंदाज में, फिर खाने के टेबल पर। ये सब्जी क्या बहू ने बनाई है? आज बहुत अलग लग रही है। भाभी, रंग तो बड़ा अच्छा दिख रहा है सब्जी का। अरे नहीं नहीं, मुझे तो माँ के हाथ वाली खानी थी। क्या है रीना, सब्जी माँ को ही बनाने दिया करो ना। सास, जिसे अब थोड़ा सा अपना पल्ला भारी दिख रहा होता है। अरे अब बेटा, मेरा जमान आ गया। ये घर कभी मेरे नाम से चलता था, लेकिन अब लग रहा है कि मेरा होना ना होना एक ही बराबर है। बहू तो पूरे घर के साथ रसोई में भी राज करना चाहती है। माँ जी, आप ही ने तो कहा था शादी के वक्त कि रानी बनाकर रखेंगी मुझे। तो देखिए, रानी का काम यही होता है ना, राज करना। अरे देख बहू, माना तू राज करना चाहती है, लेकिन भूल मत, पूरी रियासत अभी मेरी है। अरे कैसी बात कर रही हो तुम दोनों? और ये क्या तरीका होता है बहू से बात करने का? बेचारी अभी तो आई है, उसको आजादी भी नहीं दोगी क्या? तो वो इस घर को अपना घर कैसे समझेगी? देखिए पापा, माँ सही कह रही है, घर को अपना घर समझी इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ अपना और हमें पराया करने की कोशिश करे, ना जी ना, ये सोच तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। देख तू छोटी है ना, छोटी की तरह रहा कर, हर बात पर बीच में ना बोला कर। क्यों, वो मेरी बेटी है तो मेरे तरफ से ही बोलेगी ना। माँ जी, ये तरफ बरफ क्या होता है? हाँ, वो मेरी बहन नहीं है क्या? मैं मानती हूँ कि आज मैंने सब्जी बना दी, लेकिन थोड़ा खाने में बदलाव करना हम स्त्रियाँ भी तो जानती हैं और चाहती भी हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि घर के खाने की कोई वैल्यू ही नहीं है। देख मैं कोई बहस नहीं करना चाहती, जाओ खाना खा लो। सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। अगले रोज, माँ जी प्लीज, ये आस पड़ोस वालों को बोलिए ना, मुंह उठाकर घर में मत आ जाया करे। अरे किसी के घर आने जाने का कुछ वक्त तो होना चाहिए, यहाँ तो सारा दिन मानो लोगों ने धर्मशाला बनाकर रखी है। बहू, वो हम लोगों के परिवार जैसे हैं, पिछले 25 साल से हमारे साथ है, और ये मेरा घर है, यहाँ कौन आएगा कौन नहीं ये तू कैसे डिसाइड करेगी? और हाँ, तुझे अगर पसंद नहीं ना तो अपने कमरे में चली जाया कर। वो लोग बात ही कर रहे होते हैं कि पड़ोसन आ जाती है। अरे बहन, हम लोगों ने जागरण रखा है माता का आज रात, सुबह का भंडारा भी, तो बहू रानी को लेकर आना। आना हाँ बिटिया, अच्छा चलती हूँ, और घरों में भी निमंत्रण देना है। अरे हाँ हाँ, हम जरूर आ जाएंगे। वैसे किस किस को बुला रही हूँ? वो तुम्हारी ननद और भाभी भी आ रहे हैं क्या? माँ, क्या आप इनके पूरे खानदान को जानती है? अरे भाभी ने ही तो मेरी ननद की शादी की पूरी तैयारियां कराई थी, और मेरे मायके में भी पापा की मौत के बाद वहां रहकर इन्होंने ही मुझे संभाला था। इतना तो कोई किसी के लिए नहीं करता। अच्छा, मैं ना फल दे जाऊंगी, काट देना भाभी, मैं दूसरे काम पूरे कर लूंगी। मेरी तो तबीयत खराब है माँ जी, आप ही काट देना सारे फल। मैं रात का खाना भिजवा दूंगी, परेशान ना होना। हाँ अरे नहीं नहीं, हम लोग बना लेंगे, चार लोगों का खाना तो बनाना है। अरे नहीं नहीं, आप फल पर लग जाओगी, और बहू की तबीयत भी ठीक नहीं, खाना मैं ही भिजवा दूंगी। पड़ोसन चली जाती है और सास बहू की तरफ देखती है। देखा, जिसे तू धर्मशाला बोल रही थी वो कितने अपने हैं। हाँ माँ जी, आप उनका काम कर रही हैं, उनके जागरण का प्रसाद तैयार कर रही हैं, तो वो क्या इतना भी नहीं करेंगे आपके लिए? ओहो, तुझसे बहस क्या करना बहू। तभी बहू की माँ आ जाती है। अरे बहन जी, बेटी से मिलने का मन किया तो बिना बताए ही आ गई, बुरा न मानना, ये मत समझना कि ये मेरा घर नहीं कोई धर्मशाला है। अच्छा अच्छा,
तो ये घर पर आए मेहमानों को घर नहीं धर्मशाला वाला समझाने वाली आप ही हैं। वैसे आपको खुशी होगी कि आपकी बेटी के संस्कार भी ऐसे ही हैं। अरे माँ, किन बातों को सुन रही हो, आओ अंदर आ जाओ। माँ माँ बेटी के साथ अंदर आती है तो उसे अचार की महक आती है। हाय रे, कितनी अच्छी महक है, क्या बनाया है बहन जी? अचार बनाया है। आपकी बेटी बोल रही थी कि आप लोग कुछ अलग तरीके से बनाते हैं, मैं तो बस ऐसे ही। हम लोगों के घर पर तो अचार टिकता ही नहीं है, अरे आता ही किसे है अचार बनाना। लेकिन जैसे ही बेटी माँ को कमरे में ले जाती है, क्या है माँ, क्यों आ गई यहाँ पर, बताकर तो आना चाहिए। अरे कैसी बात कर रही है बेटी, माँ को बेटी से मिलने का मन किया तो क्या माँ नहीं आ सकती? आ सकती है माँ, क्यों नहीं, लेकिन तू ना पूरा खेल बिगाड़ रही है। खेल? कैसा खेल बेटी, मुझे भी तो बता देती तो मैं भी खेल लेती। माँ जब से शादी करके इस घर में आई हूँ ना, सासू माँ ने मेरा घर का रट लगा कर रखा है। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ मैं आ गई हूँ, कोई भी चीज जो पहले होती थी वो ठीक नहीं थी, तो मैं उसे परफेक्ट करूंगी। अच्छा, यानी बात सिंहासन की है कि पहली रानी को उतारना है। हाँ माँ, तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन बात तो यही है। पर बेटा वो बेटी कुछ नहीं समझती और दरवाजा खोलकर बाहर चली जाती है। माँ जो कि एक अच्छी औरत होती है, बेटी को समझाने की कोशिश तो करती है। बाहर सास के सामने माँ कहती है, अरे बहन जी आप चलिए ना मेरे साथ मेरे घर, बहू का मायका भी देख लीजिए। अरे नहीं नहीं बहन जी, आप ही रुकिए हम लोगों के पास, शाम को जागरण है वहाँ ले चलेंगे, उसी का प्रसाद तैयार कर रही हूँ। अच्छा, हमें भी तो सिखा दीजिए कैसे तैयार करते हैं। अरे कैसी बात कर रही हो माँ, कितने जागरण करवा चुकी हो तुम। देख बेटी, एक बात गांठ बांध ले, हर बेटी माँ के घर जो होता है वो देखती है, लेकिन सीखती वो सास के पास ही है। सास का संस्कार वो अपनी सास से सीखती है, जो वो अपनी बहू को देती है। तो बेटी, यहाँ के रीति रिवाज, रहन सहन, बोली भाषा अपनी है, जिसे तुझे ना सिर्फ फॉलो करना है बल्कि सीखना भी है। और जहाँ तक सवाल है पूरे घर की रानी बनने का, तो जब तक तेरी सास महारानी है तू रानी ही तो रहेगी, क्यों बेटा? बहू माँ की बात समझ जाती है और सास भी बहू की माँ का मन ही मन शुक्रिया अदा करती है।